क्वेश्चन के लिए हम स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे, मीन्स हम लोग जो दो पार्ट हमें डिवाइड करने हैं वो दो पार्ट क्या क्या होंगे. ठीक है, लेट सपोज लेट फर्स्ट नंबर या फर्स्ट पार्ट कुछ भी कह सकते हो, लेट फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू, हमने मान लिया यहाँ पर नंबर इक्वल्स टू एक्स, तो सेकेंड नंबर क्या होगा. ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट को इसका कंसेप्ट समझ नहीं आता, तो कंसेप्ट को समझिए. आपसे क्या बोला है, 57 को क्या करना है, दो पार्ट्स में डिवाइड करना है. राइट, अगर फर्स्ट पार्ट एक्स है गाइज, तो सेकेंड पार्ट कितना होगा. सिंपल सी बात है, अगर मान लेते हैं 57 को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एग्जांपल से देख बताइए, अगर हमने फर्स्ट नंबर 10 मान लिया तो सेकंड नंबर क्या होगा, 57 को भी तो दो पार्ट में डिवाइड करना है. अगर एक नंबर 10 आ गया तो दूसरा कितना आएगा, 57 माइनस 10, दैट मीन्स आपका कितना होगा, 47 होगा. तभी तो यहाँ पर हमारा टोटल करेंगे तो क्या आएगा, 57 आएगा ना. ठीक है, इट मीन्स दूसरा नंबर आपका क्या होगा, 47 होगा. तभी तो हम कहेंगे दोनों का सम 57 है, बिकॉज 57 को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है. अगर आप फर्स्ट नंबर 20 मानते हैं तो सेकंड नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे, 57 में से आप क्या माइनस कर देंगे, 20 माइनस कर देंगे, दैट मीन्स 37 आएगा. तो इट मीन्स यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये जो हमारी एक्स की वैल्यू मान रहे हैं इसे हम सेकंड नंबर के लिए 57 में से माइनस कर दें, तो सेकंड नंबर हमारा क्या आ जाएगा, सेकंड नंबर इक्वल्स टू क्या कर रहे हैं, 57 में से x वैल्यू को माइनस कर रहे हैं, इट मीन्स 57 माइनस x हो जाएगा. सो सेकंड नंबर क्या होगा, 57 माइनस x, फर्स्ट नंबर x, सो सेकंड नंबर 57 माइनस x. सो ये बेसिक सा कंसेप्ट था, तो यहाँ पर हमें मालूम हो गया कि सेकंड नंबर जो होगा वो हमारा 57 माइनस x होगा. एक 57 की x की कोई भी वैल्यू ले लीजिए, मान लीजिए 25 ले लीजिए. ठीक है, तो सेकंड नंबर क्या आएगा, 57 में से 25 माइनस कर दीजिए, 7 में से 5 गया 2, 5 में से 2 गया 3, दैट मीन्स 32. सो तभी तो हम इन दोनों 57 को टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते, दोनों को सम कीजिए तो क्या आ रहा है, 57 ही आ रहा है. सो इसलिए अगर आपका जो भी x की वैल्यू लेंगे आप, फर्स्ट नंबर जो भी आएगी आपकी, उस वैल्यू को 57 में से माइनस कर देंगे तो वो आपकी सेकंड वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, सो ये है हमारा बेसिक कंसेप्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का. आई होप ये आपको समझ आ गया होगा. नाउ आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. ठीक है ना, सो गाइस यहाँ पर ये बेसिक कंसेप्ट हम लोगों ने समझ लिया है. नाउ अब आपसे क्या बोला, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 680 है. दैट मीन्स x इंटू 57 माइनस x किसके इक्वल है, 680 के इक्वल है. चलिए, सो 57x माइनस x स्क्वायर माइनस 680 इक्वल्स टू जीरो, माइनस कॉमन ले लीजिए. सो माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 57x हो जाएगा. अगर हम बाहर कॉमन ले लेते, चलिए पूरा स्टेप दिखाते हैं आपको, हम बाहर माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो 57x ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, प्लस वाले साइन माइनस में हो जाते हैं, माइनस वाले प्लस में हो जाते हैं, तो ये प्लस में हो जाएगा जब हम बाहर माइनस कॉमन लेते हैं. ठीक है, तो ये माइनस राइट साइड में जाएगा, माइनस वन होता है जिसके आगे कुछ नहीं होता, वन होता है तो अपॉन में जाएगा तो जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा. तो यहाँ से गाइज हमारा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 57x प्लस 680 इक्वल्स टू जीरो. ये माइनस अपॉन में चला जाएगा, माइनस वन के फॉर्म में, किसी को भी जीरो को किसी से भी डिवाइड करो तो जीरो ही आता है. इतना कंसेप्ट क्लियर है. नाउ 680 के ऐसे फैक्टर कीजिए कि अगर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 57 आता है. तो चलिए फैक्टर कर लेते हैं. नाउ 2 3 6, 2 4 8, 0, 2 1 2, 2 7 14, 0. राइट, नाउ 2 8 16, 2 5 10, 5 1 5, 5 7 35, राइट, 17 1 17. नाउ गाइस 2 2 4, 4 2 8, 8 5 40, दैट मीन्स 40 प्लस 17, क्या हमारा सम 57 आ रहा है. यस आ रहा है, बस यही तो हमें चाहिए था, हमें ऐसे फैक्टर चाहिए थे जिनका सम 57 आया. मल्टीप्लाई करने पे तो ऑब्वियसली 680 होगा, क्योंकि यही नहीं कि हमने फैक्टर दिया है. सो इजी. सो एक्स स्क्वायर माइनस 57 को हम क्या लिख दें, 40 प्लस 17 लिख डालिए जल्दी से, एंड इसके तो फटाफट से फैक्टर कर दीजिए.
ठीक है, सो एक्स स्क्वायर माइनस 40x माइनस 17x प्लस 680 इक्वल्स टू 0। सो गाइस यहाँ से हमने x कॉमन लिया तो x माइनस 40, यहाँ से हमने माइनस 17 कॉमन लिया तो यहाँ पर x, और यहाँ पर क्या आएगा गाइस, ऑब्वियसली 40 आएगा। 680 के फैक्टर हमारे क्या आए हैं, 17 इंटू 40 ही तो आया है, तो अगर हम 17 कॉमन ले लेंगे तो 40 ही बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बाहर माइनस कॉमन ले तो यहाँ पे प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो एक्स माइनस 40 इक्वल्स टू 0। दोनों से हमने क्या कॉमन लिया, x माइनस 40, तो ब्रैकेट में क्या रह जाता है, x माइनस 17 इक्वल्स टू 0। व्हेन वी पुट x माइनस 40 इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू 40, एंड व्हेन वी पुट x माइनस 17 इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू 17। सो दीज आर टू वैल्यूज, x इक्वल्स टू 40 एंड x इक्वल्स टू 17। क्या आप दोनों ही आपके आंसर होंगे, सो आइए इसको भी चेक करते हैं। सो ये हमारा रफ वर्क था, तो इसको हम रफ कर देते हैं। नाउ क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो गाइज व्हेन वी पुट x इक्वल्स टू 40 फर्स्ट नंबर, देन सेकंड नंबर 57 माइनस x इक्वल्स टू 40, 57 माइनस 40, ठीक है। सो 57 माइनस 40 इट मीन 70, राइट। नाउ व्हेन वी पुट x इक्वल्स टू 7 देन सेकंड नंबर 57 माइनस 17 इक्वल्स टू 40। सो आपने देखा कि अगर आप वैल्यू फर्स्ट नंबर 17 लेते हैं तो सेकंड नंबर 40 आता है, और अगर आप नंबर 40 लेते हैं तो सेकंड नंबर 17 आता है। दैट मीन्स एक्स की कोई भी वैल्यू हो सकती है, राइट। तो आप ये जो नंबर होंगे, नंबर्स आर 17, 40, फर्स्ट नंबर 17 तो सेकंड 40, फर्स्ट 40 तो सेकंड 17, तो नंबर्स आर 17 एंड 40, ठीक है। तो हम 57 को किस फॉर्म में डिवाइड करेंगे, 17 इंटू 17 एंड 14 की फॉर्म में, राइट। सो दिस इज द सॉल्यूशन। नाउ स्टेटमेंट भी देखिए बड़ी जल्दी से, आसानी से आपको क्वेश्चन का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर आएगा। नाउ लेट द वन पार्ट बी एक्स देन द अदर पार्ट विल बी 57 माइनस एक्स, दिस इज द वे ऑफ राइटिंग द स्टेटमेंट, राइट गाइज। सो इस तरीके से स्टेटमेंट लिखेंगे देन फुल मार्क्स मिलेंगे। सो अच्छा भी लगता है एग्जामिनर, बिकॉज पूरी चीजें देखता है कि किस तरीके से आपने स्टेटमेंट को लिखा है। दस वी हैव बाय द गिवन क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ बोथ इक्वल्स टू 680 एंड यू विल सॉल्व इट एज वी सॉल्व इन द अबव फेस। सो गाइस इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, दो वैल्यू आएंगे, हेंस द टू पार्ट्स आर 17 एंड 40, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों के लिए बताया है, कब 17 लेंगे तो 40 आएगा, 40 लेंगे तो 17 आ रहा, यानी कि हमारे दोनों पार्ट्स की वैल्यू क्या है, 17 एंड 14 आ, 40 आ गई, 17 एंड 40, राइट, दो वैल्यूज है। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 18। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है गाइज, इस तरीके से और भी क्वेश्चन आएंगे, डिजिट चेंज करके आएंगे, देन आप इजिली सॉल्व करेंगे। सो ईच एंड एवरी क्वेश्चन में ना इसी तरीके से आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट को बताया गया है। सभी क्वेश्चन को कंसेप्ट समझिए, डीपली समझिए, अच्छे से समझेंगे आप ही कंसेप्ट क्लियर करते चलेंगे, देन चुटकियों में कोई भी क्वेश्चन होगा ना सब सॉल्व करेंगे आप, ओके। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, प्रिंस एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लीजिए, कॉम्पिटिशन के स्टूडेंट्स है तो भी डाउनलोड कीजिए, क्लास 9, 10, 11, 12 या फिर जो भी आप जिस भी क्लास में है तो भी डाउनलोड कीजिए, सभी एनसीईआरटी के सॉल्यूशन मिलेंगे, आरएस अग्रवाल के मिलेंगे, मैथ्स क्विज क्वेश्चन, अदर सब्जेक्टिव क्विज क्वेश्चन मिलेंगे, एंड गेम्स भी मिलेंगे आपको एजुकेशन से रिलेटेड। सो उसे आप जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।